दोस्तों मैं लोकेश कुमार आल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आप देखेंगे ग्राम सीसो वाली पोस्ट चकनवाला तहसील धनौरा उत्तर प्रदेश अमरोहा में जो ये चकनवाला मेप पर जो पुल बन रहा है दोस्तों इसके बनने की संभावना लग रही है। देखिए दोस्तों यहाँ पे पुल की क्या स्थिति है। दोस्तों आइए दोस्तों इनसे बात करते हैं जो यहाँ पे जो ये कार्यकर्ता है इनके आज बताने जा रहा सुनने में आ रहा है कि दोस्तों इस पुल का जो उद्घाटन है भूमि पूजन है हमारे जो ये राजीव तरारा है ये इस समय भूमि पूजन के लिए उद्घाटन के लिए यहाँ पे कितने टाइम आ रहे हैं दोस्तों ये पूछ लेते हैं। आ जाओ दोस्तों हाँ ये क्या है किस लिए लग रहा है दोस्तों ये बताइए जरा। उद्घाटन हो रहा है पुल का। अच्छा कौन आ रहे हैं इस जगह उद्घाटन करने के लिए। तरारा जी। राजीव तरारा। अच्छा तो यहाँ जो ये इनका आने का टाइम है क्या टाइम रखा गया इनका। 10 बजे होगा इसमें। अच्छा 10 बजे तो आपसे पहले ये किसी ने नहीं किया ये कार्य। नहीं, अच्छा तो ये जो यहाँ की जो समाज लोग बाग हैं इन्होंने पहले किसी से इस काम के लिए कोई किसी से संपर्क करा नहीं करा या करा था या मतलब कोई सुनवाई नहीं की गई। वादे करेंगे बस सुना ही किसी ने नहीं। वादे कर जामे वादे करेंगे बना देंगे। अच्छा किसी ने पूरा नहीं करवा पहले हरीश नागपाल देवेंद्र नागपाल। अच्छा अच्छा हरीश नागपाल देवेंद्र नागपाल ये सब आए हैं। अच्छा ये जीते थे वैसे जीत के निकल गए। अच्छा 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 एमपी दोनों भाई हैं में दो तलवार एक भाई एमपी एक भाई एमएलए। अच्छा इन लोगों ने भी कुछ नहीं करा है। तो ये अपने जो यहाँ के जो विधायक राजीव तरारा इन्होंने सब कुछ कर रहे हैं ये सब काम में ये जंगलात से भी टेंट लगा रहे हैं पुल का उद्घाटन कर रहे हैं करने वाले बताया गया कि पुल का उद्घाटन होगा। अच्छा अच्छा आज यहाँ अमन होगा 11 बजे के टाइम पर। अच्छा अच्छा तो इस चीज के लिए ये जो टेंट वगैरह ये जो सब सुविधा हो रही है इस चीज के लिए हो रही है भूमि पूजन के लिए। चलो बढ़िया ये पुल बन जाए तो अच्छी बात है। देखते हैं दोस्तों अब क्या होता है और आगे को। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो जो इधर कम से कम 10 या 12 समाज है तो यहाँ के जो लोग बाग हैं किस तरह से उतरते हैं किस तरह से कार्य करते हैं। दोस्तों गन्ने उतरने के लिए बरसात में तो दोस्तों यहाँ का कनेक्शन खत्म ही हो जाता है। ये पुल है दोस्तों बह जाता है। लग रहा है कि ये पुल अब बन सकता है। किसानों के जो चेहरे पे खुशी आ रही है कि ये कार्य हो रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो इसके जो गाने बजाने के लिए भी प्रबंध हो रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो कितनी जबरदस्त भीड़ रहती है दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना सब्सक्राइब करना दोस्तों। करोड़ बीघे जमीन इस नहर ने बर्बाद कर रखी है। अच्छा ये नहर चले तो इसकी पार बंद है चारों तरफ की। हाँ जो इसकी जो जो ठोकरें होती हैं वो पूरा पक्की तरह हो जाए हैं जैसे ऊपर से। अच्छा 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 सब गेहूं मर गया गन्ना मर गया। हाँ जैसे पानी ज्यादा आता है तो ढांग से उतरने के बाद में ये नहर वाले जो नहर ये कालागढ़ से के डैम से चल रही है। अच्छा ये अपनी पार बांध के छोड़े नहीं ये इसे नहीं छोड़े जाती तो ये चांदपुर जंगल है एक उसमें को खोद के जाती गंगा का भी। अच्छा तो आपने जो ये अपने जो ये विधायक इसमें डाल गया भाई जो ये विधायक है इन विधायक से नहीं क्या ये बात या फिर जल विभाग से की जाए शिकायती है। ये जल विभाग से की जाए राजीव तरारा साहब को और उनके कहने के बाद में कहूँ साहब कि ये नहर है इसको जो कनेक्शन है इधर को ना काटा करके किसी और एरिया में को भेज दी जाए या बाकी इसमें को चले तो इसकी बेड़बंदी की जाए विधायक से कही जाए ये बात कि जल विभाग से संपर्क करें। हाँ विधायक से कहो और ये जल विभाग से संपर्क करें वो अपना कि भैया इस नहर को किसी और दिशा में ले जाएं या इस दिशा में रहे तो इसकी मेड़बंदी कहिए क्योंकि किसानों को जो इससे जो इनकी फसलें गेहूं की फसल है नष्ट हो जाती है। चलो ठीक है दोस्तों देखिए दोस्तों कितनी ऊंचाई है ये देखिए कितनी दिक्कत करनी पड़ती है। देखिए
देखिए यहाँ पर कितनी जबरदस्त भीड़ हुई है दोस्तों।